हाय एवरीवन, मेरे पास कुछ यहाँ पर बचा हुआ चावल है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो सोचा मैंने कि तड़के वाला राइस बनाया जाए, ऐसा जो काफ़ी जूसी हो, जिसमें वेजिटेबल्स हो, खाने में भी मज़ा आए और ड्राई ड्राई ना लगे। इसमें आप अपने पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं, तो एकदम बेसिक तड़का राई, जीरा, सांभर मसाला या फिर पाव भाजी मसाला, इस तरह के मसाले आप तड़के वाले राइस में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस ये चावल रेडी हो गया है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मॉइस्ट है, तो इस तरह का अगर राइस हो ना, फिर वो नाश्ते में हो या फिर नॉर्मल खाने में, तब भी काफ़ी अच्छा लगता है। खाने के टाइम में इसके साथ छाछ भी परोसी जा सकती है। आज अपने दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ नारियल पानी से, तो ये दिसानो ब्रांड का नारियल पानी है, काफ़ी हैंडी है, ट्रैवलिंग में भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, कोई और शुगरी ड्रिंक पीने से ज़्यादा अच्छा ये ऑल्टरनेटिव है, तो मुझे इसे ग्लास में पोर करके पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। घर पर ब्रेड की कुछ स्लाइसेस बची हुई है, तो सोचा ब्रेड पकौड़ा बनाया जाए, तो यहाँ पर मैं ब्रेड को ट्रायंगल में कट कर रही हूँ, और मैंने सोचा है कि ब्रेड पकौड़ा डीप फ्राइड नहीं बनाऊंगी, इसे शैलो फ्राई करके बनाऊंगी, ज़्यादा अच्छा बनेगा और ऑयली भी नहीं लगेगा। बेसन में मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची और एकदम चुटकी भर सोडा। This is not egg batter. This आप क्या बना रहे हैं? पकोड़ा। खाओगे ना? थोड़ा सा ऑयल। जब भी आप शैलो फ्राई करते हैं ब्रेड पकोड़ा, तो शुरुआत में ही तेज आंच ना रखें, थोड़ी लो या लो मीडियम रखें, ताकि जो बैटर ब्रेड ने अब्सॉर्ब किया है वो कच्चा ना रह जाए, अंदर तक बेसन पक जाए। What is this? Pakora.
हस्तक्षेप। अरे मेरे पीछे टिफिन में वो नहीं जाएगा ना? जाएगा, आई विल गिव यू बिग टिफिन। ब्रेड पकौड़े रेडी है, इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ थोड़ी सी शेजवान चटनी के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग देखने में मजा आया होगा। बस यही है अब राहिनी के टिफिन के लिए भी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Until next time.